हज़रते मौलाना जलालुद्दीन रूमी साहब फरमाते हैं, पिसर तमाम बंधनों को तोड़कर आज़ाद हो जा। तू कब तक सीमो जर का गुलाम बना रहेगा? देखो, अगर तुम समंदर को भी एक घड़े में उल्टा दो तो वो घड़ा एक दिन की जरूरत से ज्यादा पानी जखीरा नहीं कर सकेगा। हरीस लोगों की आंख कभी सैर नहीं होती, लेकिन याद रखो, सदफ की प्यास उस वक्त तक नहीं बुझती जब तक वो कनात नहीं करता, उसका पेट मोती से नहीं भरता। सीमो जर से मुराद है दौलत जमा करना। अगर तुम मालो दौलते दुनिया जमा करने ही में लगे रहोगे तो तुम इसमें खो कर खुदा तक पहुंचना भूल जाओगे। ये तो ऐसे ही है जैसे कोई शख्स ट्रैफिक के इशारों की कशिश में खोकर उस रास्ते ही को फरामोश कर दे जो मंजिल की तरफ ले जाने वाला है। तुम्हारा जिस्म एक घड़े की मानिंद है, तुम इसे दुनिया की दौलत के समंदर में डुबो कर सिर्फ उतना कुछ ही हासिल कर सकते हो जितना इसमें समा सकता है। हरीस शख्स की ख्वाहिशात की कोई हद नहीं, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ने तुम्हें जो कुछ दिया है उस पर मुतमईन हो जाओ ताकि तुम्हारा पेट भी सदफ की मानिंद मोती रूह की बेहतरी से भर दिया जाए। सदफ के बारे में ख्याल किया जाता है कि सदफ जब बारिश का एक कतरा निकल लेता है तो समंदर की तह में बैठकर उसे मोती में तब्दील कर सकता है। नूर वाले।